स्नातक द्वितीय वर्ष कक्षा में सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। क्रमशः हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम स्क्रीन पे दिए गए इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला जो श्लोक है वो ये, नौचिष्टम कस्य चित्तानाद कस्यात एव तथा अंतरः न चैव अध्यसनम कुर्यात् नवचिष्टम कश्चित् वचेत। इस श्लोक का अर्थ है, न उचिष्टम कस्यचित्, किसी को भी जूठा भोजन न दे। नवचिष्टम कस्यचित्, किसी को भी जूठा भोजन न दे। ऐदाना चैव तथा अंतरा, भोजन के बीच ठहर ठहर कर भोजन न करें। अध्यानात चैव तथा अंतरा, भोजन के बीच में ठहर ठहर कर भोजन न करें। न एव च अध्यसनम कुर्यात्, अत्यधिक भोजन भी न करें। न च उच्छिष्टम कश्चित् व्रजेत्, और न ही जूठे मुँह कहीं जाएं। प्रस्तुत श्लोक में हमारे भोजन करने के तरीके का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है कि हमें किस प्रकार भोजन करना चाहिए। अब इसका हिंदी अर्थ पुनः एक बार देखें, न उच्छिष्टम कस्यचित्, जूठा भोजन किसी को भी न दे। अध्याना चैव तथा अंतरा, भोजन को बीच बीच में ठहर ठहर के न खाएं। न चैव अध्यासनम, अत्यधिक भोजन न करें। न उच्छिष्ट कस्यचित् व्रजेत्, न जूठा मुँह करके कहीं बाहर जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा श्लोक है। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है, अनारोग्यम आयुष्यम असारोग्यम चति भोजनम अपुण्यम लोक विदिष्ट तस्मात तत् परिवर्जयेत। प्रस्तुत श्लोक में अत्यधिक भोजन करने के फलस्वरूप होने वाली परेशानियों का वर्णन किया गया है कि अत्यधिक भोजन करने से क्या होता है। अनारोग्यम अनायुष्यम ऐश्वर्यम चति भोजनम, अत्यधिक भोजन करने से अधिक रोग होता है। अनायुष्यम, आयु में बाधा पड़ती है, आयु कम होती है। ऐश्वर्यम, और स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो, ऐसा मतलब होता है कि हम स्वर्ग को नहीं जा पाते हैं। अपुण्यम लोक विदिष्ट, और लोक में भी वो अच्छा नहीं माना जाता है, लोक में भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। तस्मात तत् परिवर्जयेत, इसलिए अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यधिक भोजन से होने वाले नुकसान के बारे में प्रस्तुत श्लोक में वर्णन किया गया है। पुनः एक बार देखें, अनारोग्यम आयुष्यम ऐश्वर्यम चति भोजनम अपुण्यम लोक विदिष्टम तस्मात तत् परिवर्जयेत। अनारोग्यम, अत्यधिक रोग होना। अनायुष्यम, आयु कम होना। ऐश्वर्यम, मतलब स्वर्ग का प्राप्त नहीं होना। चैति भोजनम, अत्यधिक भोजन करने से, अर्थात अत्यधिक भोजन करने से शरीर में रोग रहते हैं, आयु कम होती है और स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता है व्यक्ति। अपुण्यम लोक विदिष्टम, और लोक में भी वो अच्छा नहीं माना जाता है। तस्मात तत् परिवर्जयेत, इसलिए अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है वो है ये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केशांतः षोडश वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते राजन्य बंध्योर्द्वांसे वैशिष्य द्वैधिके ततः। प्रस्तुत श्लोक में केशांत संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है कि केशांत संस्कार किस तरह होता है, उसका परंपरागत तरीका क्या है, कितने वर्ष में केशांत संस्कार होता है। तो देखें, हिंदी अर्थ है, केशांत है षोडश वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, ब्राह्मण वर्ग का जो केशांत संस्कार है वो 16 वर्ष में किया जाना चाहिए।
केशांते षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। ब्राह्मण का जो केशांत संस्कार है वो 16 वर्ष में किया जाना चाहिए। राजन्य है बंदुर द्वाविंशे, जो क्षत्रिय है उनका 20 वर्ष में। राजन्य बंदुर द्वाविंशे, जो क्षत्रिय है उनका 20 वर्ष में केशांत संस्कार किया जाना चाहिए। वैसे चद्वे अधिके तथे, और वैसे का जो संस्कार है वो 24 वर्ष में किया जाना चाहिए। केशांते षोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते, अर्थात ब्राह्मण का जो केशांत संस्कार है वो 16 वर्ष में किया जाना चाहिए। राजन्य बंधोर व द्वाविंशे, क्षत्रिय का 22 वर्ष में केशांत संस्कार किया जाना चाहिए। वैश्यश्च द्वे अधिके मते, और वैश्य का जो केशांत संस्कार है वो 24 वर्ष में किया जाना चाहिए। अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है कि विवाहिको विधि ही स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकी ही स्मृत है, पति सेवा गुरुवास है, गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। विवाह की विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक है स्मृत है। विवाह संस्कार ही विवाही का विधि, विवाह संस्कार ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार है वो विवाह है, कि विवाह विधि है वो स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। पति सेवा गुरुवास हो, जो पति की सेवा करना ही गुरुकुल में वास करना है, पति सेवा करना ही गुरुकुल में वास करना है। गृहार्थो, और घर का काम करना ही हवन आदि कर्म है। स्त्रियों के संबंध में कि जो उपनयन संस्कार है वो उपनयन संस्कार स्त्रियों का किस प्रकार का होता है, इसका वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। इसका हिंदी अर्थ है विवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकी स्मृत है, कि जो विवाह विधि है वो ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार है। पति सेवा गुरुवासो, और पति की सेवा करना ही गुरुकुलवास है। गृहार्थो अग्नि ही परिक्रिया, और गृह कार्य करना ही हवन आदि क्रिया है। अगला जो हमारा श्लोक है वो है अगला जो हमारा श्लोक है वो ये है, आयुष्यम प्रांग वो भुंके यशस्य दक्षिणा मुख है, श्रियम पतंग मुखो हो भुक्य है, ऋतम भुक्य है ही उद्दक मुख है। प्रस्तुत श्लोक में कौन सी दिशा में भोजन करने से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन किया गया है कि आयुष्यम प्रांग मुखो, अगर हमें आयु बढ़ानी है तो हमें पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। आयुष्य प्रांग मुखो, अगर हमें आयु बढ़ानी है तो पूर्व दिशा में बैठ करके, पूर्व दिशा में मुख करके हमें भोजन करना चाहिए। यशस्यम दक्षिणा मुख है, अगर हमें यश बढ़ाना है तो हमें दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। श्रियम प्रत्यंग मुखो, अगर हमें लक्ष्मी संपत्ति बढ़ानी है तो हमें पश्चिम दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। श्रियम प्रत्यंग मुखो, अगर हमें लक्ष्मी संपत्ति बढ़ानी है तो पश्चिम दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। ऋतम भुंगे ही उदक मुख है, यदि सत्य हमें रखना है, हमारे सत्य में बल है, तो इस सत्य के लिए हमें उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक दिशा में मुख करके किए जाने वाले भोजन का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में किया गया है कि श्रियम प्रत्यंग मुखो, आयुष्यम प्राग मुखो, भूंके यशस्यम दक्षिणा मुखो, भूंके ऋतम भूंके च उदक मुखो। आयुष्यम प्राग मुखो, पूर्व दिशा में मुख करने से आयु में वृद्धि होती है।
यशस्म दक्षिणा मुखाय, दक्षिण दिशा में मुख करने से यश में वृद्धि होती है। श्रियम प्रत्यंग मुखो, पश्चिम दिशा में मुख करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। ऋतम भुंगे ही उदक मुखाय, उत्तर दिशा में मुख करने से सत्य में बढ़ोतरी होती है। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।